हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड से आई वैकेंसी के बारे में, जहाँ से ARO, VDO, DU एंड अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो क्या वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन का आवेदन है वो आपका 10 नवंबर से स्टार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर से आपका आवेदन स्टार्ट है और अंतिम तिथि आपका 24 दिसंबर है, और आपका जो पेमेंट करने का डेट है वो आपका 26 है। और आप देख सकते हैं कि पद नाम जो पहला पद है वो है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। तो सहायक समाज कल्याण अधिकारी का फुल पद 35 है, और अलग अलग जो आपके आरक्षण है उसके हिसाब से भी दिए गए हैं पद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो वेतनमान है गाइस, वेतनमान आप देख सकते हैं कि कितना वेतनमान है। तक उसका सैलरी है। और यहाँ पे आप जो दूसरा पद है उसका नाम देख सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक का पद है। कुल पद आपका 3 है, और इसका भी जो वेतनमान है वो भी 29,292,300 के आसपास है। और तीसरा पद आप देख सकते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसका आपका एक पद है, जो आपका पद है वो एक ही पद है, और उसका भी जो वेतनमान इसका ये थोड़ा ज़्यादा है, ये आपका 35,400 से 1,12,400 तक है। फिर चौथा आप देख सकते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, कुल पद 2 है, और इसका जो वेतनमान है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी का जो पद है उसके हिसाब से आपका कुल पद 4 है, और इसका भी जो वेतनमान है वो 35,400 से 1,12,400 तक है। छठा पद आप देख सकते हैं समीक्षक का, जिसमें कुल पद 1 है, और इसका भी जो वेतनमान है गाइस वो आपका 29,200 से 92,300 तक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं संरक्षक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुल पद 9 है, और उसके बाद से आपकी जो इसकी सैलरी है वो आपका 19,900 से 63,200 तक है। फिर आपका आठवां पद है ग्राम पंचायत अधिकारी का, जिसका 292 टोटल पद है। उसमें आप जाएंगे तो आपको पूरा ये अलग अलग जगह से ये भर्ती निकाली गई है, जैसे कि चंपावत में, नैनीताल में, चमोली में, जो अलग अलग वहाँ पे डिस्ट्रिक्स वगैरह हैं वहाँ उसके हिसाब से। जो नौवां पद है वो आपका सुपरवाइज़र केवल महिलाओं के लिए है, ये कुल पद 34 है, और इसकी भी जो सैलरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29,200 से 92,300 तक है। फिर आपका दसवां पद आ गया आपका मैट्रन केयर्स हॉस्पिटल इंचार्ज का, जिसमें आपका टोटल 16 पद है, और आपकी जो सैलरी है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,500 से 81,100 का आता है। पद 11वां पद, जिसमें आप है कि सहायक स्वागती, जिसमें आपका 6 पद है टोटल, और यहाँ पे उसके लिए आपके पास होना चाहिए 19,900 से 63,200 तक इसकी सैलरी है। और आपका एज का क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आपका एज का क्राइटेरिया क्या है। फिर वैसे आप देख सकते हैं सहायक प्रबंध उद्योग का 70 पद है, 35,400 से 1,12,400 सैलरी है। ग्राम विकास अधिकारी 381 पद है, और आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी भी उसका लगभग 25,500 से 81,100 तक सैलरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, इसमें आपको आवेदन करने के लिए आपको www.ssc.uk.government.in पे जाना पड़ेगा, ये उत्तराखंड की वेबसाइट। और यहाँ आप देख सकते हैं कि
जो जनरल की जो फीस है वो 300 है, बाकी अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं फीस है कितना शुल्क लगेगा आवेदन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 से 42 साल होना चाहिए, आपका टोटल 856 पोस्ट है, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी चीज़ में आपने किया है, तो आपने बीएससी करा हो या तो आपने बीए करा हो, बीटेक करा हो, कुछ लेना देना नहीं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। लेकिन बाकी जो आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर का है उसके लिए आपके पास CCC होना चाहिए, और बाकी असिस्टेंट रिव्यू एआरओ का जो है उसके लिए आपके पास 4000 हिंदी की इंप्रेशन होना चाहिए हिंदी में, और बाकी सब पोस्ट के लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए जैसा कि ऊपर जो पोस्ट दिया हुआ है। और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से लेके इंस्पेक्टर तक जो पोस्ट दिए हुए हैं उसमें आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो गाइज ऑनलाइन ऑनलाइन करने के लिए आपको उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो मैं आपको बता दिया हूँ। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।